Hi everyone, good evening and welcome back to Unacademy's YouTube channel. मेरा नाम सुप्रीत हमीजा है एंड मैं आपको यहाँ पर पढ़ाती हूँ पॉलिटिकल साइंस फॉर द NTA UGC नेट एग्जामिनेशन. आई होप आप सब लोगों को क्लास एकदम क्लियर होगा. आज का सेशन बेस्ड है ऑन सैमुअल पी हंटिंगटन एंड मार्च मंथ का फर्स्ट सेशन है ये. This is the first session that you can that we have started in March political science का. चलिए आज की क्लास स्टार्ट करूँ उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ. सैमुअल पी हंटिंगटन आपके सिलेबस में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है लेकिन अगर आप हायर एग्जाम की कोई भी तैयारी करते हो तो वो आपको पढ़ना ही पड़ता है. सो कंसिडर इट एज एन एक्स्ट्रा सेशन विच हैज़ बीन प्रिपेयर्ड फॉर यू सो दैट आप लोगों को कुछ नया पढ़ने को मिले. मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कल 12 बजे अनअकैडमी प्लस की ऐप पे, जो कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप है, उस पर एक फ्री सेशन है 12 बजे गेब्रियल एलमंड के स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के ऊपर. आप लोग मेरे साथ हर शाम 7 बजे थ्योरी क्लास पढ़ सकते हैं प्लस कोर्स के ऊपर, जो कि अगेन एक पेड सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म है. इसे और थर्सडे हर हफ्ते सुबह 12 बजे पेड एमसीक्यू कोर्स होता है. सेम सब्सक्रिप्शन में आपको ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा. हर ट्यूसडे और सैटरडे 4 बजे आपको यूट्यूब क्लास मिलती है. हर मंडे और फ्राइडे सुबह 12 बजे आपको फ्री क्लास मिलती है. ये शेड्यूल आप फॉलो कर सकते हैं सो दैट आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो एंड आपकी प्रिपरेशन एकदम फ्लो से चलती रहे फॉर GRF 2022. I also want to inform you that मेरे complete batch course में आज एक बहुत ही special unit start होने जा रहा है. Very very excited to teach you International Relations Unit number 5 आज शाम 7 बजे से. If you want to buy subscription, do not forget to use the code SupreetLive to get 10% off on your plus subscription for the new course. I also want to inform you of a very very special thing. Unacademy first time offline store kholne ja raha hai and that store you can go and visit on March 12 and 13 agar aap Delhi mein rehte hain to. So old Rajendra Nagar mein Unacademy apna store open kar raha hai. For those who are interested to go and visit, you have to register. Registration link Telegram channel pe upload kar diya jayega. Wahan se aap registration kara lijiye aur agar aap Delhi mein hai to aap Unacademy store ko visit kar sakte hain 12 मार्च और 13 मार्च को. चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट डिस्कशन ऑफ सैमुअल पी हंटिंगटन. सैमुअल पी हंटिंगटन इज नो मोर, ही डाइड इन 2008. उनका जन्म 1927 में हुआ था. हंटिंगटन एक अमेरिकन थिंकर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अमेरिकन क्यों? क्योंकि इसका रेलेवेंस आपको, मतलब अमेरिकन इंपॉर्टेंट क्यों है इसका रेलेवेंस आपको बाद में समझ आएगा जब आप चैप्टर में आगे बढ़ चुके होंगे. ही इज एन अमेरिकन पॉलिटिकल थिंकर. और जब हम लेट 20th सेंचुरी की बात करते हैं, यानी कि 1980s 90s, वहां तक हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, वन ऑफ द मोस्ट इम्पैक्टफुल साइंटिस्ट सोशल पॉलिटिकल साइंस में यही माने जाते हैं. सो दिस इज वन सिचुएशन जो आप समझ सकते हो कि कैसे इम्पैक्ट पड़ता है ऑफ द पॉलिटिक्स ओवर बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ सैमुअल पी हंटिंगटन. जो सैमुअल हंटिंगटन है उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाया हुआ है और 58 ईयर्स तक डायरेक्ट में एंगेज रहे हैं. उनके एक बहुत ही प्रोमिनेंट स्टूडेंट भी हैं जो जाने जाते हैं स्पेशली इसी अप्रोच को आगे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, और वो है फ्रांसिस फुकुयामा. वैसे तो हम फ्रांसिस फुकुयामा को जब पढ़ते हैं तो आधे लोगों को ये भी लगता है कि फ्रांसिस फुकुयामा हंटिंगटन से ऑपोजिट बात कर रहे हैं, बट समटाइम्स यू विल ऑल्सो रियलाइज कि वो हंटिंगटन के साथ बात कर रहे हैं. इट इज़ वन एंड द सेम थिंग. तो सैमुअल पी हंटिंगटन और फ्रांसिस फुकुयामा का रिलेशनशिप आपको धीरे धीरे बताऊंगी. देख सकते हो कि जितने भी सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप्स है, मॉडर्नाइजेशन है, डेमोक्रेसी है, उसमें हंटिंगटन ने सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किया है. ठीक है, जितना भी मॉडर्नाइजेशन थ्योरी कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन पढ़ते हैं, उसमें हंटिंगटन का बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन है. अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस में, अमेरिकन IR में उनका काम बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑफ कोर्स अगर आप ये देखेंगे कि इनका जो काम है वो हमेशा एक्सट्रीम रहा है. ठीक है, मैं ये भी बिलीव करती हूँ जितने लाइन जाके पढ़े हैं हु आर नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस, आप नोटिस करेंगे उनमें कुछ एक्सट्रीम व्यू पॉइंट्स ऐसे शामिल होते हैं
जो उन्हें कंट्रोवर्सी में लैंड अप कर देते हैं लॉट ऑफ टाइम्स। जितनी पॉपुलैरिटी आती है साथ में उतना ही क्रिटिक भी आता है। और सैमुअल पी हंटिंगटन कुछ अलग नहीं है, जितना उन्होंने कमाया है अपनी पॉपुलैरिटी हासिल करी है उतना ही बहुत हद तक उन्होंने कंट्रोवर्सी को भी गले लगाया है। यानी कि उनकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे फेजेस आए हैं जहां पर पीपल हैव गॉन टू एन एक्सटेंट ऑफ सेइंग कि सैमुअल हंटिंगटन के आइडियाज एकदम वेस्ट हैं। तो विथ टाइम हमें समझ आता है, रिसर्च में आते हैं कि क्या बेटर है या किसका क्या प्लस पॉइंट है और किसका क्या माइनस पॉइंट है। किताब से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा काम में धीरे धीरे एंटर करते हैं, यू विल रियलाइज दैट हंटिंगटन ने एक बुक लिखी थी पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज, वन ऑफ द लीडिंग क्वेश्चंस। ठीक है, वन ऑफ द लीडिंग क्वेश्चंस टू कम इन एग्जाम है। 1968 में पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज जो है वो लिखी गई थी। हंटिंगटन का आज तक का सबसे ज्यादा पॉपुलर वर्क रहा है। ये आपको एग्जाम में बार 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 बुक का ऑथर कौन है आपको पता चलेगा। जब हम यहां पर पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज की बात करते हैं, आपको नाम से कैचअप हो रहा होगा कि इसमें जो भी बताया गया है वो बदलाव बेस्ड है, मतलब चेंजिंग सोसाइटीज पे डिस्कशन है, विच क्लियरली शोज कैसे मॉडर्नाइजेशन और डेवलपमेंट टाइम टू टाइम चेंज हो रही है। और अब मॉडर्नाइजेशन सिर्फ वो नहीं है जो फर्स्ट वर्ल्ड हमें बताया करता था, मॉडर्नाइजेशन कुछ नया रूप ले रही है। जब हम इसकी बात करते हैं तो हमें ये समझ आता है कि ओरिजिनली थर्ड वर्ल्ड जैसे देशों में ये सब बातें बात ही नहीं की जाती थी। थर्ड वर्ल्ड में मॉडर्नाइजेशन क्या है, डेवलपमेंट क्या है, इसकी कोई बात नहीं होती थी। लेकिन अब धीरे धीरे हमारे देशों में थर्ड वर्ल्ड में डेवलपमेंट कैसे आ रहा है ये पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंज बताया गया है। ऑफ कोर्स जब आप मॉडर्नाइजेशन की बात करते हो, बहुत सारे लोग प्लस क्लासेस के डाउट सेशन में पूछते हैं कि मैम ये मॉडर्नाइजेशन कैसे समझा सकते हैं, आप थोड़ा सा बता दो। जनरली एक कट शॉर्ट डेफिनेशन ये होती है कि जब आप अपने देश में टेक्नोलॉजी एडवांस होती हुई देखते हैं, अर्थव्यवस्था एडवांस होती हुई देखते हैं, आप अर्बनाइज्ड पॉलिसीज देखते हैं, आप बढ़ती हुई पढ़ाई देखते हैं, आप ये देखते हैं कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स किस तरह से ग्रो कर रहे हैं, किस तरह से लोग एक दूसरे के साथ कॉइंसाइड कर पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं एक दूसरे को, तो हम कहते हैं कि हाँ भाई ये जो है एक वो बन रहा है, एक मॉडर्नाइज्ड कंट्री बन रहा है, एक मॉडर्नाइज्ड एरिया बन रहा है। गाइस जहां तक मॉडर्नाइजेशन के डेवलपमेंट की बात है वो हमेशा ऐसे होता, वो प्लस के साथ माइनस भी लेकर आता है। बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट्स होते हैं जो अनचाहे होते हैं। जैसे अगर आपने कभी अगर आपने कभी अपने घर में गार्डनिंग करी है या प्लांट्स लगाए हैं, तो आप ये चीज नोटिस करना कि आप जो मेन पौधा लगाते हो उसके साथ साथ साइड में गमले में घास उगाती है। हम घास को उगाते नहीं है, वो अनचाही होती है, वो खुद से आ रही है, हमने तो नहीं, हमने तो एक मेन जैसे कोई फ्लावर उगाया, रोज उगाया, बट उसके साथ घास आ गई। व्हाट हैपेंस इज हम मॉडर्निटी को पुश करते हैं, बट देर आर टाइम्स जब मॉडर्निटी के साथ वो एक्स्ट्रा घास उगाती है और उसकी वजह से क्या होता है, समाज ना अनस्टेबल सा हो जाता है। जैसे आपकी क्रॉप है उसका ऑक्सीजन ये घास ले रही है, वैसे आपका समाज अनस्टेबल होने लग जाता है। तो ऑफ कोर्स मॉडर्नाइजेशन के जितने पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव भी हैं और उसकी वजह से इनस्टेबिलिटी तो आती ही आती है। पहले क्या होता था कि जैसे प्री मॉडर्न स्टेट्स होती थी या ट्रेडिशनल राज्य होते थे, वहां पर सेंट्रलाइजेशन होती थी पावर का, राजा है या लीडर है या किंग है, उसने अपने पास पावर सेंट्रलाइज कर ली। जहां पर मिलिट्री ने ओवरकम कर लिया, लीडिंग रोल ले लिया, वहां पर सिचुएशन बदल जाती थी, वहां पर मिलिट्री हावी हो जाती थी। अब धीरे 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 हंटिंगटन ने एक बहुत इस टॉपिक की मॉडर्नाइजेशन की, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट इन अ सोसाइटी इन विच वायलेंस इज अ की पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑल्सो मीन्स डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ वायलेंस। जरा इसे सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। जिस सरकार में वायलेंस साथ साथ उत्पन्न हो रही होती है ना, उस सरकार के बाद आप वायलेंस को लाइफ में एक यूजुअल फिनोमिना समझ बैठते हो, वो एक वेव सा बन जाता है। सरकार ने अगर उसे लीगल कर लिया, उसे इस्तेमाल कर लिया, तो लोग उदाहरण देने लग जाते हैं कि तो मैं क्यों नहीं कर सकता।
अगर वो लड़ सकते हैं, अगर वो आवाज उठा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम तो अपनी सरकार को ही फॉलो कर रहे हैं। तो क्या होता है, हमारे हमारी जो वायलेंस होती है वो क्योंकि सरकार के साथ साथ ग्रो हो रही होती है, तो वो भी डेमोक्रेसी में शामिल होने लग जाती है। इस तरह की सरकारों में जो मिडिल क्लास है, जो इनिशियली किसी भी सूरत में अपने लिए आवाज नहीं उठा पाती होती थी, वो जो मिडिल क्लास है उसकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ने लगती है। वो जॉब भी चाहता है, वो काम भी चाहता है, वो नई जो है बिल्डिंग्स मॉल्स का कंस्ट्रक्शन भी चाहता है। तो धीरे धीरे उसका जो दिमाग है वो एक्स्ट्रा डिमांड्स ऑर्डर करने लगता है। और जब आप बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखते हो और वो पूरी नहीं होती, तो फिर आपको बुरा भी बहुत लगता है, और उसी वजह से क्लैशेस या लड़ाइयाँ होनी शुरू होती हैं। तो आपने देखा, मॉडर्नाइजेशन ने समाज को एक नया डेवलपमेंट तो दिया, बट साथ ही साथ समाज में अनरेस्ट, लड़ाई और एक दूसरे के प्रति क्लैश भी तो दिखाया। सो एट द सेम टाइम ये मॉडर्नाइजेशन का जो फिनोमिना है, ये दो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है। आई होप यहाँ तक सब लोगों को बेसिक समझ आया होगा मॉडर्नाइजेशन का। मैं सैमुअल पी हंटिंगटन के क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस को कवर करवाने से पहले आप लोगों के साथ थर्ड वेव डेमोक्रेसी के बारे में भी बात करती हूँ। थर्ड वेव जो किताब है वो सैमुअल पी हंटिंगटन की लिखी हुई किताब सिर्फ इस बात के लिए फेमस नहीं है कि उन्होंने थर्ड वेव इंट्रोड्यूस की, बल्कि वो इस बात के लिए भी फेमस है कि ऐसा और किसी ने किया नहीं है। सो द मोस्ट मोस्ट वेल रिटन बुक वॉज द थर्ड वेव डेमोक्रेटाइजेशन। ठीक है, जो थर्ड वेव है उसने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, अल्टीमेटली तीन वेव्स बताई हैं जिसके जरिए डेमोक्रेसी जो है वो स्थापित हुई है। ये जो तीन वेव्स हैं, इसमें जो लार्जेस्ट वेव आई थी, जो लार्जेस्ट झटका आया था जिससे डेमोक्रेसी सबसे ज्यादा एस्टैब्लिश हुई, वो था 1970 के बाद, जब लैटिन अमेरिका और बचा हुआ एशिया और बचा हुआ अफ्रीका पूरी तरीके से डेमोक्रेटाइज हुआ था। और बाय द एंड ऑफ थर्ड वेव 120 देश ऐसे थे जो डेमोक्रेटिक हो चुके थे। तो सैमुअल पी हंटिंगटन इस बात के लिए भी बहुत खास रूप से जाने जाते हैं कि उन्होंने हिस्ट्री को मोल्ड करके तीन वेव्स में डाल दिया, और ऐसा पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि डेमोक्रेसी को ऐसे वेव्स में बांटा जा सकेगा। अमेरिकन पॉलिटिक्स के ऊपर या अमेरिकन आईआर के ऊपर क्या बात करी है हंटिंगटन ने, आइए उनकी लाइफ का ये पहलू भी देख लेते हैं। हंटिंगटन ने अमेरिकन पॉलिटिकल कल्चर के ऊपर भी किताब लिखी है। उन्होंने बुक का नाम लिखा अमेरिकन पॉलिटिक्स द प्रॉमिस ऑफ डिसहार्मनी 1981। और खुद अमेरिकन होने के नाते देखो, जैसे आप इंडियन हो, हम इंडियन हैं, हमें पता है कि इंडिया के अंदर से पॉलिटिक्स कैसी है। अगर आप पॉल साइंस से नहीं भी हो, तब भी हर हर इंडियन राजनीति से अवेयर होता है मोर और लेस कि भाई क्या गुड चल रहा है मेरे देश में और क्या बैड। सैमुअल पी हंटिंगटन अमेरिकन थे, उन्होंने ये देखा था कि देखो अमेरिका को देखने के दो तरीके हैं, एक आउटसाइड से और एक इनसाइड से। हर देश को देखने के दो तरीके ही होते हैं। जब आप अमेरिका को आउटसाइड से विजन करते हो, एवरीथिंग सीम्स परफेक्ट, एवरीथिंग सीम्स डेव। अमेरिका फ्रॉम इनसाइड, तो तुमको रियलाइज होता है दैट यहाँ पर परफॉर्मेंस यानी कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। जो ये कहते हैं और जो ये करते हैं उसके बीच में एक गैप है, और आप जानते हैं ये वो गैप है जो किसी को भी ट्रिगर कर देता है वायलेंट या फिर अग्रेसिव बनने के लिए टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो जब आपकी सरकार या आपके लोग आपको कुछ बड़े बड़े प्रोमिसेस करते हैं और परफॉर्मेंस करने की बातें करते हैं, बट वो बदले में वो परफॉर्मेंस नहीं देते हैं, उस मौके पर डिसहार्मनी पैदा होता है, उस मौके पर लड़ाइयां पैदा होती हैं। तो ऑफ कोर्स वो अमेरिका को लेकर अंदर से ये बात बताते हैं कि अमेरिका में देर इज अ ह्यूज डिसहार्मनी, क्योंकि जो वादे अमेरिकन सरकार करती है वो उसने पूरे नहीं किए, और उसी वजह से वहां पर पीस जो है वो कम हो जाता है टाइम टू टाइम। ये उन्होंने इस किताब में लिखा है पूरी तरीके से। और उन्होंने ये भी देखा कि जो अमेरिकन कंट्री है वहां पर देर इज अ लॉट ऑफ मॉरल गैप, मतलब बहुत सारी चीजों को इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स के तराजू में तो रखा जाता है, बट गुड और बैड, ह्यूमन इनह्यूमन के तराजू में नहीं रखा जाता, विच मेक्स अमेरिका
क्वाइट लो ऑन मॉरल वैल्यूज। तो ये भी सैमुअल पी हंटिंगटन के जो आपको कंक्लूजन्स हैं वो देखने को मिलेंगे इस बुक में। फॉर नाउ आप हंटिंगटन का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, उनका बैकग्राउंड, उनका जन्म, उनकी पढ़ाई। इसके बाद आपने ये देखा कि उन्होंने कैसे अमेरिकन रेफरेंस से मॉडर्नाइजेशन बताना शुरू किया और फिर उसे कनेक्ट किया टू द कंट्रीज लाइक लैटिन अमेरिकन रीजन या फिर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। आपने सेकेंड पॉइंट जो पढ़ा वो था कि सैमुअल पी हंटिंगटन एक यूनिक बुक लिखी थी जो कि थर्ड वेव पर थी, जिसने डेमोक्रेसी को ट्रांजिशनल वेव्स में डिवाइड किया, तीन वेव्स में, द लार्जेस्ट बीइंग द थर्ड वन, जिसने स्वीप ऑफ की थी 120+ कंट्रीज बाय द एंड ऑफ थर्ड वेव। तीसरा पॉइंट हमने स्टार्ट किया उन्होंने कैसे अमेरिकन पॉलिटिक्स और आईआर को स्टडी करा है, और इस अमेरिकन पॉलिटिक्स और आईआर वाले टर्म्स में हमने देखा कैसे अमेरिकन सोसाइटी में डिसहार्मनी, अनपीसफुल सिचुएशंस बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस लैकिंग बाय द गवर्नमेंट हो रही हैं। यहाँ तक एक रैपअप समझ लीजिए ऑफ अ वेरी इजी चैप्टर जो कि आप लोगों को शायद आपने कहीं ना कहीं सुना या देखा हुआ होगा। अब शायद हम धीरे धीरे मूव कर सकते हैं जिस क्लास के लिए हम जानबूझकर ये पूरा लेकर आए हैं टॉपिक, विच इज द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। इट इज नॉट डिफिकल्ट गाइस, बट इट इज न्यू फॉर यू क्योंकि ये आपको ट्रेडिशनल सिलेबस में नहीं मिलता। तो थोड़ा सा एक बारी डिस्कस करते हैं क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन क्या है, उसका क्या काम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस पेज ऑनवर्ड्स। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए टू गेट ऑल द पीडीएफ्स ऑफ यूट्यूब एंड स्पेशल क्लासेस ऑल्सो। साथ ही साथ प्लस पीडीएफ्स मिल जाते हैं अपडेट सेक्शन में, लेकिन वो पेड है, इसके लिए आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं बाय यूजिंग द कोड सुप्रीत लाइव। जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है दैट वॉज इनिशियली एन आर्टिकल, बुक नहीं था इनिशियली। हंटिंगटन ने उसको सिर्फ आर्टिकल के रूप में लिखा था और ये आर्टिकल आया था 1993 में। बाद में 3 साल बाद हंटिंगटन ने इसकी पॉपुलैरिटी पर सेम टाइटल से बुक लिखा, सिवाय फर्क इतना है कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के आगे सब टाइटल लगा दिया गया था रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर। ये बुक का फुल नेम और ईयर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप 1996 से 5 साल माइनस कर दीजिए, ठीक है? 1991, 1991 मार्क करता है द फॉल डाउन ऑफ सोवियत यूनियन। 1991 मार्क करता है द एंड ऑफ कोल्ड वॉर। हाँ, वही कोल्ड वॉर जो आइडियोलॉजी पे लड़ी गई थी, जिसमें कोई और मकसद नहीं था, बस आइडियोलॉजी ही मकसद। ये वही वॉर है जिसमें आप कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म को लेकर एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हुए थे 45 साल। लेकिन 1991 में कुछ हुआ, वो था सोवियत का डाउनफॉल। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस कोई पॉल साइंस की बुक नहीं थी, कोई सोशल साइंस की बुक नहीं थी, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस आईआर की बुक थी। वो अंतर्राष्ट्रीय अचीवमेंट था और ये था कि सोवियत यूनियन कैसे गिरा, उसके पीछे क्या रिस्पॉन्सिबल था। सैमुअल पी हंटिंगटन कहते हैं ये सिर्फ मेरा हाइपोथेसिस है। हम जो भी आगे पढ़ेंगे ये सैमुअल हंटिंगटन के कोटेड वर्ड्स है फ्रॉम हिज बुक, जहां वो कहते हैं ये मेरा अंदाजा है कि आगे आने वाला नया वर्ल्ड, आप समझते हैं ना कोल्ड वॉर के बाद आता है नया वर्ल्ड, आगे आने वाला नया वर्ल्ड आइडियोलॉजी या इकोनॉमिक्स पर नहीं लड़ेगा। कितना बड़ा एक रेलिवेशन है, कितना बड़ा ये स्टेटमेंट है, आप शायद समझ नहीं पा रहे होंगे अभी, लेकिन आप ध्यान से सुनिए तो इसमें बहुत डीप वर्ड्स छुपे हैं। आज तक दोनों वॉर्स इकोनॉमिक्स पे लड़े गए और तीसरी वॉर यानी कोल्ड वॉर आइडियोलॉजी पे लड़ी गई, और सैमुअल हंटिंगटन ने झट से कह दिया ना तो इकोनॉमिक्स और ना तो आइडियोलॉजी आगे आने वाले समय में लड़ाई करवाएंगे। तो फिर क्या ऐसा होगा जो लड़ाई करवाएगा, ये सोचने वाली बात है। आप इतना बड़ा अगर स्टेटमेंट पास कर रहे हो तो आप एक्सप्लेनेशन भी दो ना कि आप उसके बदले में ऐसा क्या फील करोगे। देखो,
जो आगे आने वाली लड़ाई है हंटिंगटन के अनुसार वो सिर्फ कल्चर के आधार पर की जाएगी। कल्चर, ये जो यहां से यहां लिखा है ये एक बहुत फेमस कोटेशन है जो आपको सबको आनी चाहिए। आगे आने वाली ग्लोबल राजनीति होगी द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। ऐसी बड़ी बड़ी सत्ता जो अपने आप में किसी एक को डोमिनेट नहीं होने देंगी और लगातार लड़ेंगी खुद की डोमिनेशन एस्टैब्लिश करने के लिए। इन सिविलाइजेशंस के बीचों बीच जो फॉल्ट लाइंस हैं, जो गैप्स हैं, वो गैप्स हैं जो फ्यूचर बैटल के लिए तैयारी करेंगे। और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, बहुत बड़ा उदाहरण, सीरिया में होने वाला सिविल वॉर जो स्टार्ट हुआ था अरब स्प्रिंग से, टूनीसिया से, वो इस्लाम वर्सेस वेस्ट था। दैट वॉज अ कल्चरल वॉर, दैट वॉज नथिंग आइडियोलॉजिकल, दैट वॉज नथिंग इकोनॉमिक, इट वॉज प्योरली कल्चरल। ये है हंटिंगटन का प्रेडिक्शन इन हिज बुक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, दैट आगे आने वाली लड़ाई बेस्ड होगी कल्चर्स की लड़ाई पर। हंटिंगटन के स्टूडेंट थे फ्रांसिस फुकियामा, जिन्होंने एक और आर्टिकल लिखा था जो कि आप लोग जानते ही हैं, एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, रिटन इन 1992। ये जो एंड ऑफ हिस्ट्री एंड लास्ट मैन है, इसका भी आपको रेलेवेंस पता ही है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड डेवलपमेंट एंड यूनिवर्स एंड पॉलिटिक्स। मैं इस पे जाऊंगी नहीं बिकॉज मैं ऑलरेडी ना हंटिंग सॉरी फ्रांसिस फुकुयामा पहले काफी बार पढ़ा चुकी हूँ, एंड अभी मेरे पास हंटिंगटन पढ़ाने का ही टाइम, आई कांट ऐड फ्रांसिस इन बिटवीन, सो दैट्स द इशू। फिलहाल के लिए मैं जैसे कि बता रही थी ऑन द कल्चर, अभी काफी कुछ है इसमें जो डिस्कस करने वाला है, तो हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर बात क्या चल रही है, सैमुअल पी हंटिंगटन का क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में क्या बात चल रही है। तो हमारी जो कल्चरल बाउंड्रीज हैं, ये जो है ना, ये फॉल्ट लाइंस हैं। चलो इसके बारे में थोड़ा सा डायग्रामेटिकल इमेजिनेशन करते हैं रटने की बजाय। अर्थक्वेक का कभी एक मॉडल ज्योग्राफिकल चार्ट देखिएगा, जब अर्थक्वेक आता है तो वो किसी ना किसी फॉल्ट लाइन की वजह से उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से एक एपिसेंटर बनता है, देन आपकी जो वेव्स ट्रेमर्स होते हैं वो ऐसे फैलते हैं सर्कुलर मोशन में। जो फॉल्ट लाइन होती है वो एरिया होता है जहां से वो ट्रेमर फैला। ऐसे आपने कभी घर पे देखा होगा कि आप कोई चीज स्विच में डालते हैं और वो स्पार्कल करता है और चिट 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 की आवाज आती है, जो कि ट्रिगर करता है तारों के बीच में गैप होगा जिसकी वजह से वो तारे गलत जुड़ी और उनके बीच स्पार्कल हुआ। इन्हें फॉल्ट लाइन कहते हैं। जहां भी जो भी चीज कोई गड़बड़ी पैदा करे, जिसकी वजह से गड़बड़ हो, उसे फॉल्ट लाइन कहते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है ये वर्ड समझना। ऐसे ही सिविलाइजेशंस में कुछ कुछ गैप होंगे जिसकी वजह से फॉल्ट लाइन होगी, जिसकी वजह से लोगों के बीच में क्लैशेस आएंगे। जैसे अगर आप इस्लाम को ऑब्जर्व करो टोटैलिटी में तो वो इस्लाम है, लेकिन आप सेक्टेरियन विजन से देखो तो वो सुन्नी और शिया का डिवीजन है, तो वो फॉल्ट लाइन का रूप बन जाएगा, क्योंकि शिया वर्सेस सुन्नी एक्चुअल डिबेट है गल्फ और अरबिक कंट्रीज के बीच में, और इसी वजह से वो लोग आपस में एक दूसरे के प्रति ट्रिगर हो जाते हैं। इसको एक एग्जाम्पल समझा जा सकता है फॉल्ट लाइन का। अभी जो आप रशिया में देख रहे हो, दैट इज अगेन एन इशू ऑफ फॉल्ट लाइन। जो आप चाइना वर्सेस इंडिया देख रहे हो, यहां पर भी आपको फॉल्ट लाइंस नजर आएंगे, जैसे नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया अरुणाचल प्रदेश वर्सेस चाइना, या चाइना और साउथ ईस्ट एशिया का कनेक्शन। सो देर आर मल्टीपल एग्जाम्पल्स इन आईआर जो तुम लोग जोड़ सकते हो इसकी वजह से। अगर हमें कोल्ड वॉर के बाद की राजनीति पढ़नी है, यानी 1991 के बाद क्या होगा अगर हमें पढ़ना है, तो हमें उसे न्यू सिविलाइजेशन के नाम से पढ़ना पड़ेगा, जो हंटिंगटन ने ही दिया है अपनी बुक में। पहले
पोस्ट कोल्ड वॉर इरा को पढ़ने के लिए न्यू सिविलाइजेशन पैराडाइम पैदा करना पड़ेगा। और जानते हैं, न्यू सिविलाइजेशन पैराडाइम को पढ़ने के लिए हंटिंगटन ने एक मैप भी दिया है। तो हंटिंगटन इस पूरे वर्ल्ड को 8 बड़ी सिविलाइजेशंस में बांट देते हैं। कितनी सिविलाइजेशंस है टोटल? 8 बड़ी सिविलाइजेशंस में बांटा जाएगा इस वर्ल्ड को। और फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्लैश कैसे होने शुरू होंगे। चलिए आइए थोड़ा सा देख लेते हैं ये 8 सिविलाइजेशन कौन सी हैं। सबसे पहली आती है सिनिक सिविलाइजेशन। सिनिक सिविलाइजेशन वो है जो चाइना, वियतनाम और कोरिया जैसे देशों को कवर करती है। इसमें मेजरली साउथ ईस्ट एशिया की कम्युनिटीज काउंट की जाती हैं। इसे कहते हैं सिनिक। ओके, दूसरा आता है जापानीज सिविलाइजेशन, जो अपने आप में एक यूनिक सिविलाइजेशन है, क्योंकि पूरा एशिया एक तरफ और जापान एक तरफ, वो किसी से अलाइन नहीं करते। वो अपने आप में एक यूनिक सिविलाइजेशन की निशानी है, जापानीज कल्चर। तीसरे आते हैं हिंदू सिविलाइजेशन, और इनका सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन पाया जाता है कोर भारतीय सिविलाइजेशन के अंदर। यानी मुख्य रूप से भारतीय रिप्रेजेंटेशन इज हिंदू सिविलाइजेशन। चौथी सिविलाइजेशन आती है इस्लामिक। इस्लामिक का जिक्र मैंने पीछे भी करा, विच इज द मेजर अरबिक एरियाज, सेंट्रल एशिया, टर्की, पर्शिया, ये सब जो इस्लाम के ओवरऑल प्रिंसिपल से जुड़े हुए हैं। इवन दो अंदर अंदर उनके बीच में काफी डिविजन्स हैं, मेजरली बीइंग द टू डिविजन्स जो कि शिया और सुन्नी सेक्ट पे आधारित हैं। पांचवे आते हैं ऑर्थोडॉक्स डिविजन्स, ऑर्थोडॉक्स कल्चर, सॉरी ऑर्थोडॉक्स सिविलाइजेशंस। ऑर्थोडॉक्स सिविलाइजेशंस का मुख्य एग्जाम्पल है रशिया, बिकॉज रशिया ने अपने आप को एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्रिश्चियनिटी से जोड़ रखा है, विच यूजेस द मोस्ट ओल्डेस्ट प्रिंसिपल्स, और वो उन्हें मेंटेन करने में, कंजर्व करने में विश्वास रखता है। छठी आती है वेस्टर्न, जो कि काउंटर की जाती है बाय अमेरिका, मोस्टली बाय द नॉर्दर्न अमेरिकन टेरिटरीज। सातवें आते हैं वो जिनका जिक्र हम लोगों ने पूरी कंपेरेटिव कोर्स में बार बार किया, लैटिन अमेरिकन रीजन, द लास्ट टू गेट इंडिपेंडेंट फ्रॉम कोलोनियलिज्म। ये सेंट्रल और साउथ अमेरिकन कंट्रीज होती है जिनमें अथॉरिटेरियन रहा होता है पुराना कल्चर। यहाँ पर जनरली ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटेरियनिज्म। वन सेकेंड, जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर अ मिनट। सॉरी फॉर द स्टॉपेज। कंटिन्यूइंग लैटिन अमेरिकन रीजन, तो वो बेसिकली कैथोलिक मेजॉरिटी कंट्री है। वहाँ पुराना ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटेरियन कंट्रोल रहा है। उन्होंने नया नया आज़ादी पाया है ऑन द सेम टाइम जब हंटिंगटन एक्टिव है, उसी टाइम पर आज़ादी आया है। अफ्रीका वुड बी द लास्ट सिविलाइजेशन, आठवीं और आखिरी। एंड अफ्रीकन सिविलाइजेशन वो है जिनका एक्चुअली एक कंट्रोल्ड विजन नहीं रहा है, बट वो धीरे 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 अफ्रीकन कम्युनिटी के तौर पर डेवलप हो रहे हैं। तो ये 8 सिविलाइजेशंस हैं जो हमने डिस्कस करी। आई होप सब लोगों को क्लियर होंगी। सिनिक यूजिंग द चाइना एंड कोरिया वियतनाम एरिया, जापानीज हिंदू इंडिया वाला, इस्लामिक ऑर्थोडॉक्स वेस्टर्न लैटिन अमेरिका और अफ्रीका। ये 8 सिविलाइजेशन हैं जो हंटिंगटन ने अपनी किताब में दी हैं, और उन्होंने बताया है कि इन सिविलाइजेशंस के साथ आगे क्या होने वाला है। चलिए देखते हैं कि ये जो सिविलाइजेशंस हैं उनको किस तरीके से बताया जा रहा है। हंटिंगटन कहते हैं 1500 AD से पहले, मतलब बहुत एंशियंट टाइम से पहले, सिविलाइजेशंस एक दूसरे से ज्योग्राफिकली सेपरेटेड होती थी। जैसे पहाड़ हैं ऊंचे ऊंचे, नदियां हैं, मतलब ये ज्योग्राफिकल नेचुरल रिसोर्सेज को हम मान लेते थे सेपरेशन की लाइन, कि उसके पार मेरा देश, इसके पार तुम्हारा देश। और तब अगर किसी आइडिया को इधर से उधर फैलाना हो तो सालों लग जाते थे, है ना। सालों हम वही घिसे पिटे तरीके इस्तेमाल करते थे, क्योंकि बहुत मुश्किल होता था इन रिसोर्सेज को ट्रैवल करवाना या बता पाना कि हमारे देश में क्या यूज हो रहा है। लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी और एडवांस होती गई। हाँ,
और सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू करा वेस्टर्न लोगों ने। तो वेस्ट के जो लोग थे इन्होंने सी को चुना ट्रैवल करने के लिए। तो जितने भी डिस्कवरीज हमारे देशों में हुए हैं वो वाया दीज अमेरिकन्स और द पीपल फ्रॉम द वेस्ट हुए हैं, जिन्होंने ओशन ट्रैवलिंग का सहारा ले लेकर हमारे देशों में ट्रैवल करा। जब आप किसी के देश में जाते हो तो या तो आप उनके हो जाते हो या आप उनको अपना बना लेते हो, दो ही चीज़ें होती हैं। और हमारे जैसे सिविलाइजेशंस में वेस्ट ने आके हमें उनका बना लिया गुलाम। तो उन्होंने हमारे ऊपर उनके आइडियाज डाल दिए, उनके धर्म डाल दिए, उनकी वैल्यूज डाल दी। तो धीरे धीरे हमारा जो सिविलाइजेशन है वो एक होमोजीनियस होने की बजाय एक मिक्स्ड सिविलाइजेशन में कन्वर्ट होता गया। इसके बाद धीरे धीरे हमें ये समझ आना शुरू हुआ कि जो वेस्ट है उसने 20वीं सेंचुरी में यानी 1900s ऑनवर्ड्स अपना पूरा जो इलाका है थर्ड वर्ल्ड का उसे हमारे उसे वेस्ट जैसा ही बना लिया है, अपने जैसा। तो हमें ये रियलाइज हुआ कि भाई वेस्ट जो है ये पूरी तरीके से काबू बना रहा है रेस्ट के ऊपर, मतलब बाकी सबके ऊपर वेस्ट का बोलबाला है, उसका दबदबा है। इसकी वजह से एक बहुत फेमस फ्रेज पैदा हुआ जो कि हंटिंगटन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन नेट का, वेस्ट ओवर द रेस्ट। किस तरीके से वेस्टर्न कल्चर ने बाकी सबके ऊपर एक बढ़त बना ली, एक कंट्रोल बना लिया और मल्टी डायरेक्शनल जो इंटरेक्शंस है वो शुरू होने लग गए। यानी कि इधर का कल्चर उधर जाने लगा, उधर का कल्चर इधर आने लगा। धीरे धीरे करके वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने दुनिया की सारी सिविलाइजेशंस के ऊपर अपना कंट्रोल और इन्फ्लुएंस बनाना शुरू कर दिया। इसकी वजह से जो वेस्ट है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड डोमिनेटिंग सिविलाइजेशन बन गया। आप देख सकते हैं किस तरीके से अमेरिका ये सीढ़ियां स्टेप बाय स्टेप चढ़ा है, जहां पर उसने बाकी देशों को वन और दी अदर रीजन की वजह से अपना गुलाम बना लिया। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे हम सिविलाइजेशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन जब हम हंटिंगटन की बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि किसी भी देश को समझाने का सबसे यूजफुल तरीका उसकी सिविलाइजेशन ही होती है ना। सबसे अच्छा, सबसे बेटर तरीका यही होता है कि आप उस चीज को सिविलाइजेशन के वर्ड्स में एक्सप्लेन करो। आपको अभी तक कुछ नेगेटिव या कुछ बहुत वैसा नहीं साउंड कर रहा होगा कि मैम इसमें बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म क्या है या इसमें प्रॉब्लम क्या है। चलिए मैं आपसे बात करती हूँ ओवर दीज प्रॉब्लम्स या क्लैशेस कैसे आएंगे, ठीक है। मैं सिविलाइजेशन ए को बिलोंग करती हूँ जो एक प्योर सिविलाइजेशन थी 1910 तक। सपोज दिस इज कंप्लीटली एन एग्जाम्पल, 1910 ऑनवर्ड्स मेरी सिविलाइजेशन पे वेस्ट का असर डलने लग गया। अब ये सिविलाइजेशन धीरे धीरे चेंज हो रही है, इसमें कुछ कुछ प्योरिटी कम होती जा रही है, कुछ मिलता जा रहा है, ठीक है। अब 100 साल बाद ये लोग मेरे देश से चले गए, बट यहां के 30% लोग तो उस मिक्स्ड सिविलाइजेशन का हिस्सा बन चुके हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, ये तो मेरे देश को छोड़ के चले गए वेस्ट वाले लोग, पर मेरे देश के अंदर तो ओपिनियंस फैल गए ना दोनों तरीके के, प्योर रेस वाले भी और मिक्स्ड रेस वाले भी। अब क्या होगा अगर मेरे को अपने देश को वही 100 साल पुराना वाला बनाना है, तो ये 30% लोग नहीं बनाने देंगे क्योंकि ये पुरानी सिविलाइजेशन नहीं स्वीकारेंगे। और अगर ये जो बचे हुए 30% है ये नए प्रिंसिपल्स लगाना चाहे तो पुराने नहीं लगाने देंगे जो 70% बचे हैं। आपको यहां नजर आ रहा होगा कि उस छीना झपटी में क्लैशेस होने शुरू होंगे, लड़ाइयां, कभी कभी छोटी, कभी कभी बड़ी, कभी कभी वायलेंट, कभी कभी नॉन वायलेंट, बट क्लैश तो होगा क्योंकि जो मुझे चाहिए वो मेरे और नागरिकों को साथ के नहीं चाहिए और जो उन्हें चाहिए वो मुझे नहीं चाहिए। तो क्लैश तो आएगा ही आएगा क्योंकि डोमिनेशन हुआ था किसी और का थोड़े वक्त के लिए और उसने हमारे माइंड को चेंज कर दिया। हमारे को
जो तीन क्लैशेस प्रिडिक्ट करके बताए गए हैं बाय हंटिंगटन, तुम लोगों को आठ सिविलाइजेशन इंट्रोड्यूस कराई गई थी, सिनिक, जापानीज, हिंदू, ये वो। अगर आपको मैं तीन ऐसे बताऊं सिविलाइजेशन जिसमें सैमुअल हंटिंगटन ने प्रिडिक्शन दिया था, आप शॉक्ड हो जाओगे पढ़ के। उन्होंने कहा था आगे आने वाली लड़ाई सिनिक वर्सेस वेस्टर्न वर्सेस इस्लामिक, इन तीनों के बीच ही होगी। और आप एक बार इसे सोच के देखो, सिनिक चाइना वर्सेस अमेरिका वेस्ट वर्सेस इस्लामिक कंट्रीज, है ना? पोस्ट वॉर कोल्ड वॉर इरा की लड़ाई किसमें सीमित है? किसमें? चाइना, अमेरिका और इस्लामिक कंट्रीज, या राइज ऑफ इस्लामिक फंडामेंटलिज्म में। ये प्रिडिक्शन हंटिंगटन ने खुद लिखा है दैट हमारी जो मेन क्लैशेस आने वाली हैं वो सिनिक वेस्ट और इस्लाम के बीच में ही आएंगी। और उन्होंने ये भी कहा था कि वेस्ट को इस्लामिक फंडामेंटलिज्म से प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है कि वेस्ट को इस्लामिक फंडामेंटलिज्म से प्रॉब्लम है, उसको ये प्रॉब्लम है कि जो इस्लाम है वो खुद को बहुत सुपीरियर मानते हैं कल्चरली, ठीक है? और जब आप खुद को अमेरिका के सामने बहुत सुपीरियर मानते हो तो अमेरिका वो बर्दाश्त करता नहीं है, तो क्लैश होना जायज है। बड़ी फेमस हिंदी कहावत है, एक मैदान में दो तलवारें नहीं टिक सकती, मतलब जंग के मैदान में एक ही कोई विनर रहता है, और वो विनर अमेरिका किसी और को देख नहीं सकता। लेकिन इस्लाम फंडामेंटलिज्म पे काम कर रहा है, यानी यूनिवर्सली इस्लाम को स्प्रेड करने में। तो यहां पर उनका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि अमेरिका लगातार इन एरियाज को, इस्लामिक एरियाज को डोमिनेट करने में लगा हुआ है, अपनी गलतियां देखता नहीं है और इस्लामिक कंट्रीज को कन्वर्ट करना चाहता है डेमोक्रेसी में। बहुत सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे, हर सक्सेस डेमोक्रेसी से नहीं आती। जरूरी नहीं है जो अमेरिका के लिए लिबरल डेमोक्रेसी काम की है वो इस्लाम के लिए भी करेगी, क्योंकि अगर आप देखें इस्लामिक फंडामेंटल कंट्रीज में डेमोक्रेसी नहीं है, और वेस्ट चाहता है कि ये सब मिट जाए और डेमोक्रेसी आ जाए। हंटिंगटन ने कहा है आप अपनी शॉर्टकमिंग्स और प्रॉब्लम्स पे क्यों नहीं काम करते, अमेरिका अपनी डेमोक्रेटिक प्रॉब्लम्स पे क्यों नहीं काम करता, इंस्टेड ऑफ जस्ट पुशिंग इस्लामिक कंट्रीज टू एस्टैब्लिश लिबरल डेमोक्रेसी। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या होती है जब आप अपनी तरफ से जबरदस्ती उस पे अप्लाई करने की कोशिश करोगे, तो क्लैश तो होगा ही, फिर क्लैश तो होगा ही। फिर इसे डिस्क्राइब करने के लिए वेस्टर्न कल्चर की तीन डिसएडवांटेजेस बताई गई हैं। वेस्टर्न कल्चर यानी अमेरिकन कल्चर करेंटली लोगों को जैसे पुश कर रहा है, उसकी तीन रीजंस बताए गए हैं। वेस्टर्न कल्चर एक फॉल्स यानी झूठा कल्चर है। वेस्टर्न कल्चर एक इमोरल, यानी कि जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में भी बोलते कि अमेरिकन सोसाइटी में मोरालिटी की कमी है अकॉर्डिंग टू हंटिंगटन, और वेस्टर्न कल्चर एक डेंजरस फॉर्म ऑफ कल्चर है। तो यहां पर इस्लाम वर्सेस वेस्ट का आपको बहुत बड़ा रीजन दिख रहा होगा कि क्यों इस्लामिक कंट्रीज वेस्ट के अगेंस्ट है और क्यों वेस्ट इस्लामिक कंट्रीज के अगेंस्ट है। ये पैसे से जुड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम कल्चर से जुड़ा हुआ है, सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स हैं वो वेस्ट के पल्ले नहीं पड़ते, और जो वेस्टर्न प्रिंसिपल्स हैं वो इस्लाम के पल्ले नहीं पड़ते, मतलब इस्लामिक प्रो कंट्रीज के, एंड वही क्लैश ऑफ ओपिनियंस आता है और हेंस फोर्थ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। और फॉल्ट लाइन क्या है इनके बीच में? इनके कल्चरल डिफरेंसेस, यानी ये ट्रिगर कैसे हो रही है लड़ाई, क्योंकि दोनों के बीच में कल्चरली काफी फर्क है और उस फर्क की वजह से फॉल्ट लाइन ट्रिगर होती जा रही है। पढ़ने पे आओ तो ये चैप्टर बहुत प्यारा और यूनिक चैप्टर है, बिकॉज आपको ये सब चीजों के पीछे रीजन पता चलता है, जिन चीजों को हम वैसे ही सुनते रहते हैं उनका रीजन पता चलता है हमें। आप देख रहे होंगे दैट हंटिंगटन क्रिटिकल हो रहा है ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन,
यानी कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन को पार्शली क्रिटिक करा जा रहा है, उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उस पर कटाक्ष जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि हंटिंगटन वेस्टर्न सिविलाइजेशन के क्रिटिकल हैं, तो ऑफ कोर्स वो बदले में एक यूनिवर्सल सिविलाइजेशन पेश करते हैं और वेस्ट की हेजमनी को रिजेक्ट करते हैं। यानी जो इतने साल से वेस्ट बाकी कंट्रीज पे हेजमनी मेंटेन कर रहा था, उसे हटाने की बात हंटिंगटन करते हैं। हंटिंगटन ये भी कहते हैं क्योंकि दुनिया भर में हर बड़ी चीज में वेस्ट सबसे बड़ी पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, इसी वजह से जो नॉन वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्हें गुस्सा आता है और लड़ाई पैदा होती है। तो अगर आपको लंबे टाइम पे पीस चाहिए है, तो उसके लिए बहुत नेसेसरी है कि एक सिंगल यूनिवर्सल कल्चर हो, क्योंकि जब सिंगल यूनिवर्सल कल्चरल प्रिंसिपल्स होंगे तो पीस जल्दी आएगा, क्योंकि जितना ज्यादा वेस्ट डोमिनेट करेगा उतना ज्यादा दूसरे वाले को ट्रिगर होगा नॉन वेस्टर्न को कि मेरे को गुस्सा आ रहा है इसके ऊपर। समझो इस पॉइंट को। आप कई बार देखना कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जिनको आप जो चीज करने को मना करो वो उस चीज को ज्यादा करते हैं। तो वेस्टर्न जिस चीज को करने को इस्लाम को मना करता है, इस्लामिक प्रो कंट्रीज को, वो कंट्रीज जान के इस्लामिक फंडामेंटलिज्म अपनाने के लिए, वेस्ट को चिढ़ाने के लिए वो ही कदम ज्यादा उठाते हैं। इसी वजह से कंटिन्यूस टिफ चल रहा है बिटवीन द वेस्ट एंड नॉन वेस्ट। अगर अमेरिका अपने पे काम करने लग जाए और इन ओपिनियंस को गिव अप कर दे, इस डोमिनेशन को एस्टैब्लिश करने की जिद छोड़ दे, तो बहुत सारे पॉइंट्स पर पीस स्थापित हो जाएगा, क्योंकि जिसके लिए जो सही है वो स्थापित करेगा बाय यूजिंग अ सिंगल यूनिवर्सल कल्चर। लेकिन एक प्रॉब्लम है गाइस, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रहा है वैसे वैसे देशों की बाउंड्री ब्लर होती जा रही है। यानी एक देश से दूसरे देश आना, एक देश से दूसरे देश की कल्चरल वैल्यूज फैलना कोई मुश्किल नहीं है। ऐसे में हम कैसे एक सिविलाइजेशन को दूसरी सिविलाइजेशन से लड़ने से रोक सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हंटिंगटन ने इस किताब के दूसरे पहलू में बताई है, सेकेंड पार्ट में, वो ये है कि पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद लोगों का वेस्टर्न कल्चर से अंधविश्वास कम होता जा रहा है, जिसको हम डेवलपमेंट ऑफ मल्टीपोलर ऑर्डर भी कहते हैं, क्योंकि यूनिपोलर से बाइपोलर से मल्टीपोलर ऑर्डर पे पहुंचा गया है। वो मल्टीपोलर ऑर्डर का डेवलपमेंट इसीलिए हुआ है क्योंकि धीरे धीरे दुनिया वेस्ट से अपना जो दिल है वो हटाती जा रही है, धीरे धीरे ये चीज़ कम हो रही है, वेस्ट का पावर और उसका इन्फ्लुएंस फेड हो रहा है, क्योंकि आज की डेट में वेस्ट पे दो तरह के विचारधारा है। कई लोग ये कहते हैं कि वेस्ट जो है आज भी डोमिनेट कर रहा है, टेक्नोलॉजी में सबसे एडवांस्ड है, वेस्टर्न देशों के पास दुनिया की सबसे ऊंची मिलिट्री है, वेस्टर्न देशों के पास वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर इकोनॉमी है। वेयर एज जो दूसरी साइड है वो ये कहती है कि वेस्टर्न देशों का इन्फ्लुएंस, उसका इम्पैक्ट, उसका कंट्रोल कम होता जा रहा है। और क्या आपको इस नंबर पे, इस पॉइंट को गेस करने के लिए कोई मार्क्स मिलने चाहिए दैट हंटिंगटन क्या सपोर्ट करेंगे, वेस्ट का प्रमोशन या वेस्ट का डाउनफॉल? ऑफ कोर्स द सेकेंड कैटेगरी, द लैटर कंडीशन ऑफ वेस्ट डाउनफॉल, द डिक्लाइन ऑफ वेस्ट। वो बताते हैं कि कौन से ऐसी तीन पहलू हैं जिससे धीरे धीरे वेस्ट का डिक्लाइन होता जा रहा है, यानी वेस्ट का डाउनफॉल होता जा रहा है। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट करेंटली वेस्टर्न डिक्लाइन एक स्लो प्रोसेस है, इसलिए वो देखा नहीं जा पा रहा विद नेकेड आइज। हम इतनी क्विकली जज नहीं कर पा रहे हैं कि वेस्ट गिर रहा है या उसकी जो इम्पैक्ट है वो कम हो रही है, बट हो रही है धीरे धीरे। कोई भी पावर जब गिरती है तो वो इमिजिएटली नहीं गिरती है। कोई भी पावर जब गिरती है, देर आर सो मेनी डाउन, सो मेनी अप, सो मेनी स्टेबिलिटी, सो मेनी डाउन, सो मेनी अप्स। सो देर इज अ पैटर्न ऑफ डाउनफॉल। ऐसा नहीं होता कि अमेरिका अगर 300 साल एक्टिव था तो अचानक से 1.5 साल में वो खत्म हो जाएगा। तो जो वेस्टर्न हेजमनी है उसको खतरा है, स्लो है बट है। आप यहाँ पे जज कर सकते हैं चाइना का राइज, यानी सिनिक सिविलाइजेशन का राइज, जो कि प्रिडिक्ट करा गया था बाय हंटिंगटन इन 1996 दैट ये आगे आने वाले समय में सबसे बड़ा खतरा होगा फॉर द वेस्ट। और आज आप देख ही सकते हैं कि वो है, धीरे है पर है।
एंड सेकेंड पॉइंट भी जस्टिफाइड हो रहा है कि ऑफ कोर्स अमेरिका ने डाउनफॉल्स अप्स डाउनफॉल्स कंटिन्यूसली एक्सपीरियंस करे हैं, चाहे वो अफगान में मिलिट्री का वापस ले जाना हो फ्रॉम द अफगानिस्तान बॉर्डर्स, और व्हाट इज हैपनिंग इन यूक्रेन और अंडर द यूनाइटेड नेशंस, जहां जहां भी आप देखें अचानक से डाउनफॉल नहीं हो रहा है, देर आर अप्स एंड डाउन्स टुगेदर। एंड ये जो सारे फैसले हैं ये इंटरडिपेंडेंट होते हैं, यानी इन देशों का लिया एक फैसला दूसरे देश पर निर्भर होता है, तो धीरे धीरे ही पता चलता है कि कौन सा वो फैसला है जिससे गड़बड़ी ज़्यादा हो। इन सबको बाइंड करने के लिए लास्ट में हंटिंगटन ये भी कहते हैं कि आज की डेट में वर्ल्ड राजनीति में सबसे बड़ा जो फैक्टर है डोमिनेटिंग, वो है धर्म। आजकल आइडियोलॉजी रिप्लेस हो गया है बाय रिलीजन। अभी लोग धर्म के आधार पर राजनीति करने लग गए हैं एंड धर्म के आधार पर पॉलिटिक्स बहुत क्विकली स्प्रेड हो रहा है वाइल्ड फायर की तरह। आई थिंक ये पॉइंट तो इंडिया से ज़्यादा वेल डिफाइंड कहीं आप देख ही नहीं सकते, यानी हिंदू सिविलाइजेशन के अंदर आप इसे सबसे ज़्यादा देख सकते हैं कि राजनीति धीरे धीरे आइडियोलॉजी या पैसे या पॉलिटिक्स पे नहीं बल्कि धर्मों पे लड़ी जा रही है। ये भी एक प्रिडिक्शन था जो हंटिंगटन ने दिया था। अब हम लोगों को क्या हो गया है, अभी हम लोग जो कम्युनिकेशन है, जो एक दूसरे का डिपेंडेंस है, वो हम धर्म पे देख रहे हैं। ज़्यादा जोड़ने का काम धर्म कर रहा है। पहले लोगों को जोड़ने का काम पॉलिटिकल मतलब सोशल लाइफ में पॉलिटिक्स करती थी, अब वही काम रिलीजन कर रहा है, अब वही कनेक्शन रिलीजन दे रहा है। तो अब लोगों को एक न्यू आइडेंटिटी मिल गई है। पहले आप एज एन इंडियन लड़ते थे, या पहले एज अ रशियन लड़ते थे, या एज अ क्रिश्चियन लड़ते थे, अब आप एज अ वॉट एवर इज योर रिलीजन वैसे लड़ रहे हो, एज अ सिख, एज अ हिंदू, एज अ मुस्लिम, मतलब अब आप धर्म के आधार पर लड़ रहे हो। अब राजनीति की जो फॉल्ट लाइन्स हैं वो रिलीजियस प्लेसेस में आ चुकी हैं, रिलीजन के जरिए आ चुकी हैं, रिप्रेजेंट हो रही हैं। तो आइडेंटिटीज आर चेंजिंग विथ टाइम। ये पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में ही हुआ है, ये धर्म का रोल प्री कोल्ड वॉर एरा में नहीं था, या फिर कोल्ड वॉर के दौरान नहीं था। ये धर्म एक तब पाया जाता था जब टू स्वर्ड थ्योरी थी या पोप का कल्चर बहुत एक्टिव था यूरोप में, तब मिडिल क्लास के आने से कई गुना पहले। लेकिन अब की डेट में ये रिप्लेसमेंट हो जाना हमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन करते हैं कि हम कितने जा रहे हैं, या हम कितना घूम गए हैं वापस अपनी उसी चीजों की तरफ। कुछ और पावर्स हैं जिनको दुनिया इग्नोर करती है, बट क्यों करती है, जबकि वो इकोनॉमिकली दुनिया की सबसे सक्सेसफुल पावर्स हैं, लेकिन हमारा फोकस क्योंकि हमेरा हमेशा से अमेरिका पे रहा है तो हमने इन पावर्स को इग्नोर कर दिया है। बट हंटिंगटन अपनी किताब में स्पेशल दर्जा देते हैं कुछ नॉन वेस्टर्न कंट्रीज को, जिन्होंने धीरे धीरे करके अपने लिए समाज में एक बड़ी जगह बनाई है, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में एक बड़ा मार्क बनाया है। इसमें वो फोकस करते हैं जापान के ऊपर, क्योंकि आपको पता ही है जापान एक प्योर इंपीरियलिस्ट ग्रोथ से आगे आया है, जहां उसने अपनी इकोनॉमिक्स के बलबूते पे अपना ऐसा डोमिनेशन बना दिया है कि वो एक यूनिक पावर है जिसे कोई टच नहीं कर सकता। जापान इज नॉट कम्पीटिंग इन द मेन रेस, बट जापान इज अ वेरी यूनिक इकोनॉमी जिसका किसी से कंपेरिजन नहीं है। देन ऑल्सो ही मैंशंस फोर टाइगर कंट्रीज, जो कि हैं हांगकॉन्ग, ताइवान, साउथ कोरिया और सिंगापुर। जब भी आप सिंगापुर की तरफ देखेंगे, साउथ कोरिया की तरफ देखेंगे, आप एक्सट्रीम डेवलपमेंट देखेंगे। मैं हांगकांग से थोड़ा सा डिसअग्री करती हूँ, बट ऑब्वियसली ये चैप्टर 1996 का लिखा हुआ है। हांगकांग इज करेंटली नॉट एक्सपीरियंसिंग अ टाइगर सिचुएशन, उसके साथ काफ़ी जो है ऑपोजिट कंडीशन हो रखी है करेंटली। एंड ही ऑल्सो डिस्कसेस अबाउट चाइना, क्योंकि चाइना ने भी इकोनॉमिकली ही खुद को एसर्शन में डाला है। और आपको अगर नहीं पता तो चाइना का जो रोड मैप है वो माओ लिख के गया था, और माओ ने कल्चरल नेशनलिज्म के आधार पर ही उसको डेवलप करने को कहा था। तो आप अगेन देख सकते हो कैसे कल्चर्स फ्यूचर में लड़ाई का मुद्दा होने वाले हैं, ना कि पैसा। तो हमारे पास धीरे धीरे ये समझ आ रहा है कि हमारे जैसे जो देश है, जो नॉन वेस्टर्न या एशियन कंट्रीज हैं, बिकॉज हम मॉडर्नाइज हो रहे हैं, तो हमारा वेस्ट पे जो वो डिपेंडेंसी है वो कम हो रहा है। यही 1950-55 में हम अमेरिका पे बहुत डिपेंडेंट होते थे, बट अब क्योंकि हम खुद में सक्षम होते जा रहे हैं इन ऑल द थिंग्स, तो हम लोग सेमी पेरिफरी से मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द कोर एरिया। तो हमें पता चल रहा है कि धीरे धीरे
हमें इन जैसे कंट्रीज से इन्फ्लुएंस ना होकर अपनी एक अलग दुनिया बनानी है और यहाँ के प्रति घूमना है, जैसे चाइना घूम रहा है, उसका कोई डिपेंडेंस नहीं बचा किसी और कंट्री पे क्योंकि वो सब खुद बना ले रहा है। तो ऑफ कोर्स चाइना मॉडर्नाइज हो रहा है बट वेस्टर्नाइज नहीं हो रहा, फर्क समझो इस बात का, ये की वर्ड है इस क्लास का, कि देश मॉडर्नाइज तो हो रहे हैं बट वो अब वेस्टर्नाइज नहीं हो रहे। पहले मॉडर्नाइज होने का मतलब होता था वेस्टर्नाइज होना, यानी वेस्ट से मदद लेना। आज मॉडर्नाइज होने का मतलब है इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली, सोशली डेवलप होना बट वेस्ट के बलबूते पे ना होना, इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करना। सो दिस इज वन पॉइंट जो यूनिक बनाता है स्पेशल पूरे आइडिया को, दैट हंटिंगटन ने ये बोला था दैट वर्ल्ड इज बिकमिंग मॉडर्नाइज बट नॉट एनी मोर वेस्टर्नाइज। हंटिंगटन ने आगे आने वाली कुछ सिविलाइजेशंस को प्रिडिक्ट करा है जिनके बीच में एक्सट्रीम क्लैशेस होने वाले हैं। सबसे पहले वो प्रिडिक्ट करते हैं इस्लाम और सिनिक कल्चर्स एक साथ आएंगे और वो वेस्ट के साथ लड़ेंगे, यानी कि उन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि चाइना और चाइना के एडजेसेंट वियतनाम एंड कोरिया जैसी कंट्रीज प्लस इस्लामिक कंट्रीज एक कॉमन एनिमी के खिलाफ लड़ेंगे, विच इज द नॉर्थ अमेरिका और द वेस्ट। तो सिनिक प्लस इस्लाम सिविलाइजेशन अगेंस्ट द वेस्ट सिविलाइजेशन। इस वेस्ट फ्रॉम द रेस्ट थ्योरी को बताने के लिए हंटिंगटन ने कहा है कि वेस्ट अपने आप को इतना होल्ड कैसे कर पाया है, इवन दो चाइना या इस्लाम से उसे इतना थ्रेट मिल रहा है इतने सालों से, फिर भी वेस्ट कंट्रीज ने अपने आप को ऐसे एकजुट कैसे रखा हुआ है। बहुत ही लॉजिकल पॉइंट है। सबसे पहले तो ये कि वेस्ट ने अपनी मिलिट्री बहुत सुपीरियर बनाई हुई है, मतलब उसी बहुत ही ज़्यादा हाई पावर आर्मी और मिलिट्री है जिसकी वजह से दूसरे देश डरते हैं आवाज़ उठाने से। दूसरी बात ये खुद न्यूक्लियर वेपन्स के सबसे बड़े ओनर हैं बट दूसरे देशों को नॉन प्रोलिफरेशन में बांध देते हैं, यानी उन्हें न्यूक्लियर वेपन्स ना रखने देते हैं ना बनाने देते हैं, तो इसकी वजह से इनका डोमिनेशन बढ़ता जा रहा है। दूसरा ये है कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं ये गढ़ है बड़ी बड़ी वैल्यूज जैसे ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी का, तो दुनिया हमेशा कन्विंस हो जाती है कि वेस्ट के पास आज भी ज्यादा है क्योंकि उसके पास ह्यूमन राइट्स और बाकी मॉरल वैल्यूज का एक हब है, तो वो इमोशनल कार्ड या ह्यूमन कार्ड प्ले कर दिया जाता है इन ऑल सर्कमस्टांसेस, विच मेक्स वेस्ट कई गुना ज्यादा सुपीरियर। द थर्ड इज दैट जो हमारे नॉन वेस्टर्न रिफ्यूजीज हैं वो जो वेस्ट में जा नहीं पाते रहने के लिए, जैसे अमेरिका की वीज़ा पॉलिसी वर्ल्ड की सबसे सिक्योर वीज़ा पॉलिसी है, यानी वहाँ पर वीज़ा ले पाना और रह पाना अपने आप में बहुत डिफ़िकल्ट है बहुत ज़्यादा रहना, तो एक क्यूरियोसिटी बना रहता है क्योंकि आपने वेस्ट को एक्सप्लोर नहीं किया, तो एक क्यूरियोसिटी बना रहता है कि ओ माई गॉड यहाँ पर है क्या ऐसा जो इतना यूनिक है। सो दीज आर द रीज़न जिसकी वजह से जो नॉन वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो लगातार इनसे प्रभावित होती रहती, इवन दो सिचुएशन चेंज हो गया है बट फिर भी उनके दिल में वो धड़कता रहती कि यार मुझे वेस्ट को देखना है, मुझे उनके जैसा बनना है, मुझे उनको कॉपी करना है, मुझे वैसा स्टेटस चाहिए, मुझे वैसी पावर अक्वायर करनी है एक्सेट्रा। तो वो ये बताते हैं दैट जो इस्लाम और वेस्ट है इनके बीच में जो फर्क है, इनके बीच में जो गैप्स हैं, वो ही रीज़न है जिसकी वजह से क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जो फॉल्ट लाइन है, सॉरी सॉरी फॉर द रॉन्ग, कि ये जो फॉल्ट लाइन है वो चाइना वर्सेस अमेरिका के बीच में प्रिडिक्ट करी गई है, यानी क्योंकि ये दोनों इतने डिफरेंट है और अपकमिंग पावर्स हैं, सो दे आर द वन जहाँ पे क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस का फ्यूचर देखा जा सकता है। 90% ऑडियंस ऑफ द क्लास विल अंडरस्टैंड एंड रियलाइज दैट हमने जो आज पढ़ा वो एक ऐसा प्रिडिक्शन है जो आज वर्ड बाय वर्ड रिलेट कर रहा है, कल को 10 साल बाद करेगा या नहीं करेगा, 2 साल बाद करेगा नहीं करेगा, करेंटली ये जस्टिफाई कर रहा है ऑफ व्हाट वी रीड। बहुत कम चैप्टर्स होते हैं पॉल साइंस में जो आपको ऐसा इंसाइट दे जाते हैं। लंबे इंतजार के बाद आज हंटिंगटन बढ़ाने का मौका मिला, काफी टाइम से विचार था कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस कराया जाए आप लोगों को, स्पेशली बिकॉज एवरीथिंग इज नॉट अबाउट सिलेबस, इट इज मोर अबाउट लर्निंग न्यू थिंग्स। सो आई होप जितना मुझे अच्छा लगा ये टॉपिक इंट्रोड्यूस करने में आपको भी उतना ही लगा हो। इफ यू लाइक टूडेज क्लास यू शुड
गो एंड लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, फॉलो मी ऑन अनअकैडमीज ऐप एंड माई नेम इज सुप्रीत धमीजो, यू कैन सर्च इट एंड फॉलो मी देर. ऑल्सो आज शाम बहुत एक्साइटमेंट है IR स्टार्ट करने की, डिस्काउंट कोड सुप्रीत लाइफ फॉर 10% ऑफ ऑन अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन.